गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज शेखर फ्रॉम हैदराबाद टेक्निकल एनालिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस ट्रेडिंग ट्रिक्स। सो बहुत दिन हो गया हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं तेलुगु लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियोस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मदर टंग तेलुगु है। सो तेलुगु ट्रेडर्स के लिए थोड़ा हेल्प करेंगे बोल के तेलुगु में वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी पहले मैं हिंदी सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा है हमारे चैनल में। सो सभी लोगों को एक बार माफ़ी चाह रहा हूँ। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50। हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल में है। इसके बाद हमको कैसा मूवमेंट होता है, सो ऊपर के जैसे जाएगा या नीचे के तरीके से नीचे आएगा हमको नहीं पता चलेगा, मगर एक डिफरेंट एनालिसिस करके मैं प्राइस एक्शन के साथ एक लेवल्स निकाला। सो एनकेएस निफ्टी प्रोजेक्शन ऑफ हाई एंड लो आफ्टर ऑल टाइम हाई। सो ऑल टाइम हाई होने के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है या नीचे जाने के चांसेस है बोल के डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस रहता। सो एनालिसिस सही होता या गलत होता, मेरा भी एनालिसिस भी कभी कभी गलत भी होता, मगर हम लोग इंडिकेटर्स और कुछ कोई भी इंडिकेटर्स है या SMA क्रॉस ओवर ये सब कुछ नहीं देख रहे, ओनली प्राइस एक्शन में डिपेंड होके प्राइस एक्शन के साथ प्राइसिंग वैल्यूज के साथ हम लोग मार्केट एडवांस प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। सो वो भी एक तरीका से हम लोग एक ये लेवल्स निकाला। हाई लेवल अगर गया तो फर्स्ट लेवल 12407 एंड 12506 एंड 12705। सो लो लेवल में अगर नीचे आए तो मार्केट 12242 लेवल और 12077 एंड 11650 तक मार्केट आने के चांसेस है। मैं इंट्राडे के बाद कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये लेवल्स दे रहा हूँ। ओवरऑल प्रोडक्शन अपसाइड कितना कितना तक जाएगा और नीचे कितना तक आएगा बोल के प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये कैसा लेवल्स निकाला वो भी हम ये वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे समझो, जब आप पहले आप मेरा कंटेंट देख लो और कंटेंट देखने के बाद आप अच्छा लगा तो लाइक करो, और यह सब्सक्राइब बटन है लाल वाला, वो सब्सक्राइब बटन दबा के और बिसाइड एक बेल आइकन भी आएगा उसमें दबा के नोटिफिकेशन एनेबल कर लो। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा लेवल्स कैसा निकाला वो हम लोग अभी देखेंगे। सो हिंदी बात करने बहुत दिन हो गया, सो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आए तो थोड़ा माफ़ करना। गूगल में सर्च किया था व्हाट इज नेक्स्ट मूव ऑफ निफ्टी बोल के सर्च किया तो बहुत सारे लिंक्स आया था। सो लिंक्स में क्लिक किया तो खोरा में अगर हम लोग देखे तो एक आदमी उसका व्यू के हिसाब से थोड़ा बॉक्सेस डाल के ऐसा प्रोडक्शन कर रहे, और दूसरा और एक वेबसाइट में निफ्टी आउटलुक ऐसा है 325-350 लेवल्स अपसाइड कैप अराउंड बोल के ऐसा। सो फास्ट प्रॉफिट सम डेली बोल के एक है, ये सम अपूर्व सेती बोल के इनका भी एक एनालिसिस है, इसके साथ भी ये प्रेडिक्ट करते मार्केट कहाँ तक जाएगा बोल के। सो और निफ्टी ट्रेडिंग व्यू .com में भी एक ऑप्शन एनालिसिस के साथ ऑप्शन चेन में पुट साइड का स्ट्राइक प्राइसेस और कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से भी एनालिसिस करके मार्केट में कितना मूवमेंट रहता बोल के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज रहता। सो हम क्यों ये लेवल्स निकाला बोल के आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं एक मेरा फ्रेंड्स ग्रुप में फ्राइडे को निफ्टी फ्यूचर विल टच वंस 12,257 लेवल बोल के दिया था 2:00। सो ओके, इसके बाद 224 और 3:00 आप चेक किया तो वो दिन का लो 12,255 आया था। ठीक है, एक बार चार्ट भी देखेंगे हम लोग यहाँ। ओके, ये लेवल में मार्केट है तो हम लोग प्रेडिक्ट किया 257 लेवल तक आएगा बोल के। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी यस्टरडे मैं दिया था अराउंड 1:45। ओके, 145 को दिया था, निफ्टी फ्यूचर विल टच 12,406 लेवल बोल के दिया था जब मार्केट प्राइस है 12,360 है। ठीक है,
नेक्स्ट मूव आप चेक किया तो यह 12,406.80 हाई मारा। सो ये लेवल में हम लोग प्रेडिक्ट किया था मार्केट यहाँ तक जाएगा बोल के। सो लेवल प्राइस लेवल भी हम लोग मेंशन किया था क्लियरली, वो भी मार्केट में हुआ था, इसलिए मार्केट का प्रेडिक्शन मेरा लेवल्स करेक्ट जैसा जा रहे बोल के मैं आपको ये बना के मैं दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारे एनालिसिस एक बार चेक करेंगे हम लोग। सो इसका पहले सब लोगों को मैं सब लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, आपको मेरा टेलीग्राम में एक फ्री चैनल है एनकेएस ट्रेडिंग ट्रिक्स बोल के, इसके लिंक आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें यहाँ भी आपको अपडेट्स मिलेगा फ्यूचर्स का और स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन का आपको अपडेट मिलेगा। अगर किसी को भी शॉर्ट टर्म कॉल्स का डिस्कशन करना है, आप शॉर्ट टर्म कॉल्स में एंटर करना है या कोई आपके आपके साथ कोई होल्डिंग में है उसका पोजिशन के बारे में हम लोग आप लोगों को पता करना है तो एनकेएस बेसिक वन ग्रुप बोल के एक ग्रुप बनाया है। इसमें आपको ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना 8639915004 पेड ग्रुप है। सो वन टाइम आप पेमेंट किया तो 1099 आपको लाइफ टाइम आपको सर्विस देने के लिए ये ग्रुप बनाया है। सो शॉर्ट टर्म कॉल्स का डिस्कशन इंट्राडे के बारे में कुछ भी यहाँ नहीं बोलते, व्यूज ओनली शॉर्ट टर्म के व्यूज यह बताते। ठीक है, सो यह एक्सेल शीट में बनाया एक प्राइसिंग वैल्यूज के साथ निफ्टी स्पॉट हाई टू करेक्शन। टोटल निफ्टी में जो ट्रेंड हुआ, ट्रेंड के साथ कब कब मार्केट पीक हाई लेवल गया और उसके बाद कितना करेक्शन लिया बोल के एक लेवल से यहाँ निकाला एक बार उसके बारे में बताने के लिए आपको एक बार चार्ट बताता हूँ आपको। सो ऑल डाटा मैं लिया था, यह टाइम फ्रेम डेली है और पीरियड ऑल डाटा है। सो इसमें 2000 से और 2020 तक टोटल ट्रेंडिंग कैसा हुआ यह बता रहा है ये चार्ट। सो यहाँ से हम ले लिया क्या लिया, देखो यह ये लेवल, ये फर्स्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ये लेवल से मार्केट यहाँ तक करेक्शन हुआ। सो ये लेवल मैं डेट के साथ लिया था यह एक्सेल शीट में। सो जनवरी 1st 2004 में 2000 हाई डालने के बाद लो डाला 1250। सो डिफरेंस टोटल मार्केट कितना करेक्शन लिया, 750 करेक्शन लिया। उसके बाद ये भी लिया, इसके बाद ये भी लिया, इसके बाद ये भी लिया, इसके बाद ये भी लिया, क्योंकि हाईर हाइस डाल के जा रहे हैं ना। इसके बाद यही लिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिया, इसके बाद ये नहीं लिया क्योंकि ये बीच का है। सो ये नहीं लिया, सो ये यहाँ से यहाँ तक लिया, ये लिया और ये भी लिया, ये भी लिया, अभी ये भी लिया। सो इसके बाद मार्केट ये लेवल से मार्केट अगर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा हमको नहीं पता। सो क्योंकि अभी आरएसए देखे तो या आप कुछ भी इंडिकेटर्स देख लो, इंडिकेटर बताएगा ओनली प्राइस मूवमेंट होने के बाद इंडिकेशन करेगा, मगर एक पीक हाई लेवल जाने के बाद मार्केट का मोमेंटम कैसा रहता, वो अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाएगा बोल के एक प्रोजेक्शन लेवल से यहाँ निकाला। सो टोटल करेक्शंस हुआ, टोटल 2004 से 2019 तक करेक्शन हुआ, टोटल 12 टाइम, ओके 12 टाइम्स करेक्शन हुआ। 12 टाइम्स करेक्शन में हाईएस्ट करेक्शन हुआ 2008 जनवरी में 3480 पॉइंट्स करेक्शन हुआ और लीस्ट 2005 मार्च में 270 पॉइंट्स हुआ। सो हाईएस्ट पॉइंट्स और लोएस्ट पॉइंट भी यह करेक्शन यह दिख रहा है क्लियरली। सो इसमें हम लोगों के क्या चाहिए, एवरेज 12 टाइमिंग्स में एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज मैं निकाला, वो आया था 1185.3 पॉइंट्स। ठीक है, सो एवरेज करेक्शन एक करेक्शन में 12 करेक्शंस में हमको एवरेज करेक्शन मिला 1185। उसको मैं क्या किया, उसको 12 से डिवाइडेड भी किया। सो जब हमको मालूम पड़ा ये 98 पॉइंट्स एवरेज करेक्शन मिला। ठीक है, सो एवरेज करेक्शन मिलने के बाद स्पॉट हाई लेवल लिया कल का लेवल और स्पॉट लो लेवल लिया कल का लो। ठीक है, इसके साथ तो हम लोग क्या किया, मैक्सिमम करेक्शन बाय एवरेज करेक्शन। सो मैक्सिमम करेक्शन कहा हुआ, यह हुआ मैक्सिमम करेक्शन हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज करेक्शन 98 इंटू
ट्वेल्व टाइम्स हुआ ना, सो इंटू ट्वेल्व, सो ले तो हमको वैल्यू आया था 426 पॉइंट्स वैल्यू वैल्यू आया था, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद मिनिमम वैल्यू, मिनिमम करेक्टेड वैल्यू कितना आया, मिनिमम करेक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज करेक्शन मल्टीपल बाय 12 टाइम्स ये किया तो 33 पॉइंट्स आया। सो मैक्सिमम मार्केट मार्केट होने के मार्केट जाने के चांसेस है 426 पॉइंट्स तक जाने के चांसेस है ये लेवल से, और अगर अगर कम मिनिमम बोले तो 33 पॉइंट्स मिनिमम हो सकता है। इसके साथ मैं इनकेस निफ्टी सो हाई लेवल लिया था स्पॉट हाई को मिनिमम पहले, क्योंकि मार्केट अभी पीक हाई लेवल है, हाई लेवल है। इसके बाद मार्केट जाना है तो थोड़ा कंसोलिडेशन या साइडवेज में जाने के चांसेस है, ठीक है। इसके लिए मैं मिनिमम पॉइंट्स जाएगा बोल के फर्स्ट हाई लेवल को मैं ऐड किया था, वो लेवल आया 12,407। इसके बाद मैं क्या किया, थ्री टाइम्स लिया मिनिमम वैल्यू, थ्री टाइम्स, पहले वन टाइम लिया, बाद में थ्री टाइम्स लिया, बाद में नेक्स्ट लेवल हमको सिक्स टाइम्स लिया। सो सिक्स टाइम्स बोले तो हाफ ऑफ द 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का हाफ ऑफ द वैल्यू, सो सिक्स टाइम्स लिया। सो मैक्सिमम मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है यहाँ 12,705 लेवल तक जाने के चांसेस है। अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद ही हम दूसरा लेवल्स देखना है, ठीक है। लो लेवल में पहले हम लोग ले लिया, टू टाइम्स ले लिया, क्योंकि मार्केट अगर पीक हाई लेवल में थोड़ा करेक्शन में आने के चांसेस है, प्रॉफिट बुकिंग्स का चांसेस है, नेगेटिव कोई भी न्यूज़ आया तो अगर मार्केट करेक्शन लेने के लिए कोशिश करेगा बोल के मैं मिनिमम पॉइंट्स को क्या किया, डबल किया, ठीक है पहले। सो वो आया 12,242 लेवल, नेक्स्ट लेवल 12,077, इसमें फाइव टाइम्स लिया, क्योंकि डायरेक्ट सिक्स टाइम्स लिया तो ज़्यादा हो जाएगा बोल के मैत्री, इसका मीनिंग बिहाइंड कुछ भी नहीं है, फाइव टाइम्स लिया। सो करेक्शन पहले टू टाइम्स, नेक्स्ट फाइव टाइम्स, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉइंट्स ले लिया। सो ओवरऑल हम मुझको ये मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हाई अगर मार्केट 374 अगर हाई ब्रेक पीक हाई ब्रेक किया तो या 12,407 लेवल तक जाने के चांसेस है बोल के यह क्लियरली हमको पता कर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज के साथ हम लोग लेवल्स लिया था, ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है। आप ट्रेड करना चाहे तो बिफोर आप फाइनेंशियल एडवाइस को या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।